रोहित शर्मा का आज 37वां जन्मदिन। हिटमैन के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के, वनडे में सबसे ज्यादा डबल सेंचुरी। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा आज अपना 37वां जन्मदिन मना रहे हैं। रोहित का जन्म 30 अप्रैल 1987 में नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। हिटमैन रोहित दुनिया के इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने वनडे में 3 डबल सेंचुरी जड़ी हैं। इसके साथ ही वनडे क्रिकेट का इंडिविजुअल हाईएस्ट स्कोर का भी रिकॉर्ड रोहित के नाम ही दर्ज है। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के हिटमैन ने लगाए। रोहित के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट, टेस्ट, वनडे, टी20 में सबसे ज्यादा 597 छक्के हैं। रोहित ने ये छक्के 472 इंटरनेशनल मैचों में जमाए हैं। इस मामले में वेस्टइंडीज के क्रिस गेल दूसरे नंबर पर हैं जिन्होंने 483 इंटरनेशनल मैचों में 553 छक्के जड़े हैं। वनडे का इंडिविजुअल हाईएस्ट स्कोर रोहित के नाम। रोहित ने श्रीलंका के खिलाफ 2014 में 264 रनों की पारी खेली थी, जो आज तक वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन है। तब रोहित ने 173 गेंद पर 33 चौके और 9 छक्के जड़े थे। वनडे में सबसे ज्यादा डबल सेंचुरी रोहित ने बनाई। वनडे इंटरनेशनल में अब तक 12 बल्लेबाजों द्वारा डबल सेंचुरी लगाई गई है, जिसमें से 3 बार तो रोहित शर्मा ने ही लगाया है। 2007 में किया इंटरनेशनल डेब्यू। 2007 में आयरलैंड के दौरे पर रोहित शर्मा को टीम इंडिया के लिए पहला वनडे मैच खेलने का मौका मिला था, हालांकि उस मैच में उनकी बल्लेबाजी नहीं आ सकी। इसके बाद रोहित 2007 में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप की टीम में भी चुने गए। साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में हिटमैन को पहली बार टी20 इंटरनेशनल में बल्लेबाजी का मौका मिला और उन्होंने 40 गेंदों पर नाबाद 50 रन बनाए। भारत ने मैच 37 रन से जीता और शर्मा जी प्लेयर ऑफ द मैच रहे। पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप के फाइनल में भी उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 16 गेंदों पर 30 रन की नाबाद पारी खेली थी। 2013 में किया था टेस्ट डेब्यू। वनडे और टी20 क्रिकेट में धाक जमाने के पूरे 6 साल बाद हिटमैन को टेस्ट डेब्यू करने का मौका मिला। रोहित ने अपने टेस्ट करियर का आगाज वेस्टइंडीज के खिलाफ 9 नवंबर 2013 को कोलकाता के ईडन गार्डन्स पर किया था। उस मैच में रोहित ने 177 रनों की पारी खेली थी। अपने दूसरे टेस्ट मैच में भी उन्होंने विंडीज के खिलाफ शतक ठोका था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।